मुझे लगता है बेस्ट एक्टर आई थिंक ये तो गिवन है कि रणबीर कपूर का साल है। फिल्म फेयर अवार्ड से पहले ही करण जौहर का यूर रणबीर को बेस्ट एक्टर अनाउंस करना बड़ी खबर नहीं है, बल्कि फिल्म फेयर की नॉमिनेशंस पार्टी की सबसे बड़ी खबर तो है साल की बेस्ट एक्ट्रेस बताने में नजर आया करण का कंफ्यूजन। मेरे लिए प्रियंका और श्रीदेवी के बीच में एक थोड़ा सा टसल है। और सिर्फ प्रियंका और श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस की रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बताकर करण कर बैठे हैं एक बड़ी भूल। वेल, अगर आपको लग रहा है कि ये तो सब्जेक्टिव मामला है, करण जिस एक्ट्रेस को चाहे उसे फिल्म फेयर की बेस्ट एक्ट्रेस बता सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि कभी जूम के बूम पर खुद करण एक दूसरी ही एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस को साल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बता चुके हैं। Vidya Balan has every reason to just celebrate from tonight for this whole year. She's just outstanding. Yes, totally, I'm a huge fan. अब विद्या की इतनी तारीफ के बाद अगर करण उनका जिक्र करना भूल जाएं, तो थोड़ी हैरानी की बात तो होगी ही ना। और तारीफ भी कोई ऐसी वैसी नहीं, विद्या की ये तारीफ करण जौहर ने करीना कपूर के सामने की थी, यानी करण के इस स्टेटमेंट की विटनेस करीना भी हैं, जिनका नाम इस साल फिल्म फेयर अवार्ड में हीरोइन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसी लिस्ट में दीपिका पादुकोण का नाम भी है, जो कॉकटेल में अपने लीड रोल के लिए रेस में है। तो वहीं परिणीति चोपड़ा भी इशक जादे से बेस्ट एक्ट्रेस की नॉमिनेशन लिस्ट में जगह बना चुकी हैं। खैर, सबका नाम गिनाना तो करण के लिए वाकई मुश्किल भी हो जाता और डिप्लोमेटिक भी, इसीलिए उनका सिलेक्टेड नेम्स गिनाना ही ठीक था। मेरी सबसे फेवरेट फिल्म इस साल की है, दो फिल्में थी जो मुझे बेहद पसंद आई, बर्फी और इंग्लिश, दोनों नॉमिनेट किए गए हैं एज फॉर द फिल्म फेयर एज डायरेक्टर एंड फिल्म। आई लाइक बर्फी, मुझे मेरी बहुत फेवरेट फिल्म थी। रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा वाज डेफिनेटली द ईयर्स बेस्ट परफॉर्मेंस। प्रियंका ने भी बहुत बहुत अच्छा काम किया। श्रीदेवी, आई एम अ बिग फैन, तो मेरे लिए प्रियंका और श्रीदेवी के बीच में एक थोड़ा सा टसल है। पर करण का टसल प्रियंका और श्रीदेवी के बीच जाकर ठहर गया है और पीछे छूट गई है कहानी। इसीलिए कुछ लोगों को हो सकती है हैरानी कि कभी विद्या बालन की दिल खोल कर तारीफ करने वाले करण कैसे भूल गए उनका नाम। विद्या बालन हैज एवरी रीजन टू जस्ट सेलिब्रेट फ्रॉम टुनाइट फॉर दिस होल ईयर, शी इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। वैसे फिल्म फेयर की नॉमिनेशन पार्टी के दौरान करण सिर्फ कहानी में विद्या की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का जिक्र करना ही नहीं भूले, बल्कि इस साल उनके लिए सबसे काइंड रहे टॉप स्टार्स की लिस्ट में अपने बेस्ट बडी SRK का नाम गिनाना भी भूल गए हैं और किंग खान की जगह कर रहे हैं सलमान की काइंडनेस का गुणगान। Someone has been kind to me. Salman Khan when he actually went out of his way to promote Student of the Year. I felt that his kindness resonated beautifully. He had nothing to do with the film and showed a lot of warmth and kindness to my three debutants. Well, Karan ke muh se Salman ki kindness ka gungaan sunkar Vidya ko zarur thodi rahat milegi. Bhai, wo isiliye ki SRK ko Karan apna best buddy jo mante hain aur jo apne hote hain, unka naam ginana agar koi bhool bhi jaye to apne naraaz nahi hote. Aakhir apne to apne hi hote hain. And we hope Priyanka aur Shri Devi ko फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स की सबसे बड़ी कंटेंडर बताने की करण की बात को विद्या इसी अपनेपन वाली स्पिरिट से लेंगी, बेगानेपन की बेरुखी से नहीं। मुझे लगता है बेस्ट एक्टर आई थिंक ये तो गिवन है कि रणबीर कपूर का साल है। फॉर हार्दिक तन्ना एंड चेतना सिंह, जूम मुंबई।